अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामिनो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामिन, माह रजब का तीसरा जुमातुल मुबारक आ गया है और जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो इसमें आज़म का वजीफ़ा है, मगर इससे पहले मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक के चंद ऐसे अमाल जिक्र करूंगी जिनका सवाब, जिनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। और एक जुमातुल मुबारक के बारे में हदीस है जो मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ वो ज़रूर जिक्र करूँ, तो सबसे पहले वो हदीस मैं आपके साथ जिक्र कर देती हूँ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बशारत हुई है कि हर शब जुमा अल्लाह ताला दोज़ख से 70,000 को आज़ाद कर देता है, और दूसरी बशारत मुझे ये हुई है कि हर शब जुमा अल्लाह ताला मेरी उम्मत की तरफ 99 बार नज़र फरमाता है, और ज़ाहिर है जिसकी जानिब अल्लाह की नज़र हो उसको वो अजाब ना देगा। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए कितनी एज़ाज़ की बात है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने दिनों को पैदा करके जुम्मा को उनमें से चुन लिया और पसंद किया, और मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत दी और उनके लिए जुम्मा को मुकर्रर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो हर अमल के इंसान जुम्मा को करता है उसके लिए इसके अवज में 70 नेकियाँ लिखी जाती हैं। फिर जो रोज़े जुमा या शबे जुमा को मरता है अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह बख्श देता है और वो दुनिया से बख्शा बख्शाया होकर निकलता। सुभान अल्लाह, के ये हमारे लिए कितनी एजाज़ की बात है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश किया करें, उनकी प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल किया करें, इसी में हमारे लिए दुनिया और आखरत की भलाई है, हमारा अपना फायदा है और रोजे आखरत भी हमारे लिए कामयाबी है। और अब मैं वो वज़ाइफ़ ज़िक्र कर देती हूँ जिनका जुमातुल मुबारक के दिन बड़ा अजर व सवाब है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जो शख्स बाद गरूब के शबे जुमा में 2 रकात इस तरह अदा करे कि हर रकात में 1 बार सूरह फातिहा और 15 बार एज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ सूरत पढ़े, तो उस पर सकरात मौत को आसान कर देगा, अल्लाह पाक उसे अजाब कब्र से बचाएगा और 70 बरस की इबादत का सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन जोहर और असर के दरमियान में 2 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि पहली रकात में सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार और कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक 50 बार, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा कुल हुवल्लाहु अहद कुल आउज़ु बिरब्बिन नास 15 बार पढ़े। बराबर रवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जो शख्स बाद अदाए जुमा यानी जुमा के अदा करने के बाद सुबहानल्लाहिल अज़ीम वाबिहम्दिही 100 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 10 लाख गुना मिटा देता है और उसके वालदैन के 24,000 गुना मिटा देता है। सुबहानल्लाह, के ये अमाल कितने अफजल हैं, इनका कितना बड़ा अजर व सवाब है, अगर जुमातुल मुबारक के दिन में इन्हें अदा कर लिया जाए तो क्या ही कहने। अब चलते हैं वजीफा की तरफ, तवज्जो से सुन लीजिए। जो लोग घरेलू उलझनों का शिकार हैं, शादी के मसाइल हैं, कारोबारी बंदिशें हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुश्मन शैतानी असरात वगैरह से वो मुतासिर हैं, या लाइलाज बीमारियां, ऐसी तावील इलाज जिन बीमारियों के वो करा रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा मुजरब अमल है,
परेशानियों के लिए, मुश्किलात के लिए, हर गम सदमे के लिए ये वजीफ़ा इतना मुजरब है कि आजकल के साइंसी और मादी दौर में इस छोटे से वजीफ़ा की तासीर एटम बम से भी ज़्यादा है। आप हैरान होंगे कि ये क्या अल्फाज हैं, ये इतने कम अल्फाज हैं जिनका इतना बड़ा असर है। सच पूछिए तो ये इसमें आसम है, इसमें आजम ऐसा अमल है कि जिसे अगर कर लिया जाए और उसके बाद जो बात मुंह से निकाली जाए तो वो पूरी हो जाती है। ये अल्फाज जादू, जिनात और सख्त तरीन जादू के असर के लिए नंगी तलवार की तरह हैं, जिन्हें यकीन की नयाम में महफूज रखें, हमेशा शादमानी और कामरानी आपका मुकद्दर बनेगी। तो वो अल्फाज क्या हैं? वो अल्फाज हैं हामीम लाजुन सरून, हामीम लाजुन सरून। ये ऐसा खास अमल है, ये ऐसा इसमें आजम है किसे जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। इन अल्फाज के पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं लौटता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में अपने सहाबा को इसके पढ़ने का फरमाया करते थे। ये हर मुश्किल के तोड़ का लाजवाब वजीफ़ा है, आप इसे ज़रूर कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।